कीव की सड़कों पर महासंग्राम लगातार जारी है और कीव की ओर लगातार रूस की सेना बढ़ती हुई नजर आ रही है और जानकारी यह भी मिल रही है कि कई शहरों के साथ साथ कीव पर कब्जा करने की कोशिश पूरी है रूस की। और ऐसे में अगर राजधानी कीव पर कब्जा कर लेता है रूस की सेना वहां पर पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस लेती है तो फिर ऐसे में यूक्रेन पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम घुटने टेकने को तैयार नहीं है, जितने भी हथियार जितनी भी सेना हमारे साथ मौजूद है उसी के दम पर हम इस युद्ध में लड़ रहे हैं और भले ही बाकी देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं लेकिन एकजुट होकर हम इस युद्ध का सामना कर रहे हैं। ये तीन तस्वीर आप जरा देखिए, युद्ध की खौफनाक तस्वीर जो कि हर एक सेकंड में अलग अलग निकलकर सामने आ रही है और ये तबाही के निशान जो कि यूक्रेन में चारों ओर इसी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले में किस तरीके से एक आदमी बचा है क्योंकि जिस फ्लैट में यह आदमी मौजूद था उसी अपार्टमेंट पर मिसाइल दागी गई रूस की तरफ से और ऐसे में ये शख्स ये इंसान जो कि बाल बाल बचा और फोन पर जानकारी देता हुआ। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, इमारत पर लगातार मिसाइल अटैक्स जारी है, अभी तक कई मिसाइल अटैक हो चुके हैं। एक तरफ जो फौजी घुसपैठ है वो लगातार रूस की तरफ से बढ़ाई जा रही है, सैनिकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर गुजरते वक्त के साथ लगातार हालात जो है बद से बदतर इस वक्त यूक्रेन में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये चार तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए, किस तरीके से रिहायशी इमारत जो है एक के बाद एक तबाह होती हुई नजर आ रही है, धुएं का गुब्बारा आप देखिए आसमान छूता हुआ और मिसाइलों से हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर एक सेकंड में नया हमला रूस की तरफ से किया जा रहा है, एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रूस की तरफ से ऑफर ये जरूर दिया गया कि देखिए हथियार अगर आपकी सेना डाल देती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी ऑफर दिया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि अगर आप चाहते हैं तो सुरक्षित आपकी यहां से हम वापसी कर सकते हैं, आप किसी भी देश में शरण ले सकते हैं, लेकिन उसको भी ठुकरा दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से। अब ये चार तस्वीर आप जरा देखिए, इमारत पर किस तरीके से मिसाइल हमले लगातार जारी है, संघर्ष लगातार जारी है, तबाह होती हुई इमारतें नजर आ रही हैं, इमारत का हिस्सा किस तरीके से बीचों बीच टूटा हुआ नजर आया है और जो लोग फंसे हैं मलबों के बीचों बीच उन्हें भी निकालने की कवायद लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें जो सामने आई है वो आप जरा देखिए, यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीर में लंबी लंबी लाइनें, रोमानिया जाना चाहते हैं ये लोग, ये देखिए लोगों की कतारें नजर आ रही हैं जो कि रोमानिया जाना चाहते हैं, लोग बॉर्डर पार करने में जुटे हुए हैं क्योंकि अब जितने भी देश यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं, जो जो इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं वहां पर शरण लेने को मजबूर होते हुए लोग नजर आ रहे हैं और रोमानिया के जरिए ही भारतीयों को वापस लाने की भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। पहला विमान वहां से फ्लाई हो चुका है, आज शाम पहुंचेगा पहला जत्था 219 भारतीयों के साथ। और इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की